फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो जो कि होने वाला है करियर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के ऊपर। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल विकास सावंत एकेडमी। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वो नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी कोई वीडियो अपलोड हो। तो आज के वीडियो में बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम टू दिस वीडियो। हमारी एकेडमी का नाम है विकास सावंत एकेडमी, जो कि ट्रेन करता है स्टूडेंट्स को इन डिफरेंट एग्जाम्स लाइक IBPS, SBI, RBI, SSC एंड रेलवे एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन आज हम जानने वाले हैं करियर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ओके, हम इस फील्ड में हैं 2010 से, और हमारी वेबसाइट है learnandcrack.com। लर्न करो, क्रैक करो, बिल्कुल सिंपल सा हमारा फंडा है। आप लर्न कीजिए और अपने जो एग्जाम्स है वो क्रैक कीजिए, और अपना जो फ्यूचर है वो सेफ एंड सिक्योर कीजिए। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो है 8652221988। तो आपको अगर कोई क्वेरी है, आपको कुछ जाना है, तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे अकेडमी के फाउंडर एंड CEO है मिस्टर विकास सावंत सर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आइए तो फिर जानते हैं व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज क्या है वो जान लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही दिलचस्प से नाम दिख रहे होंगे, दैट इज IBPS, SBI एंड RBI। IBPS क्या है? IBPS जो बॉडी है वो 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स जो है उनके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करता है। कौन से बैंक्स है वो? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, देन IDBI बैंक है, उसके बाद यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, ऐसे जो नेशनलाइज्ड 11 बैंक्स है उसके लिए IBPS जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट करता है और उनका रिजल्ट डिक्लेयर करता है। और IBPS आपके लिए लेकर आता है दो अपॉर्चुनिटीज एवरी ईयर, जिसमें से एक अपॉर्चुनिटी होती है असिस्टेंट की और दूसरी होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर की। ये स्टूडेंट्स एवरी ईयर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी आती है बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करने के लिए, अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में करने के लिए। दैट इज या तो आप क्लरिकल लेवल, दैट इज असिस्टेंट लेवल पे सिलेक्शन ले सकते हैं, या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल पे सिलेक्शन ले सकते हैं। उसी के साथ साथ IBPS आपको प्रोवाइड करता है काम करने की अपॉर्चुनिटी इन रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs में आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है। सेम उसी दो कैटेगरीज में, दैट इज असिस्टेंट एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर। रीजनल रूरल बैंक जो रूरल एरियाज के लिए काम करते हैं और अपना रूरल एरियाज में जो है उनके ऑफिसेस होते हैं और रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए वो लोग काम करते हैं। तो वही दो पोस्ट हैं, असिस्टेंट या फिर क्लरिकल, और जिसे कहते हैं दूसरा प्रोबेशनरी ऑफिसर। उसके बाद आपको नाम दिख रहा है SBI का, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है, जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, जिसके मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, जिसके ATM के नंबर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और बहुत ही लोकप्रिय बैंक है इंडिया का। तो ऐसा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज फॉर असिस्टेंट एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर। ओके, और जो हमारा तीसरा नाम है, दैट इज RBI, विच इज फादर ऑफ ऑल बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको हर साल अपॉर्चुनिटी आती है असिस्टेंट की, और ऑफिसर ग्रेड बी के पोस्ट के लिए आपको जो है अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती है। तो अगर आप काउंट करें तो IBPS आपको दे रहा है 4 अपॉर्चुनिटीज, SBI एंड RBI के मिला के टोटल आपके पास है 8 अपॉर्चुनिटीज इन द बैंक। टोटल 8 अपॉर्चुनिटीज मिल रहे स्टूडेंट्स। और अभी SBI की जो वैकेंसी है वो अनाउंस हो चुकी है, बस नोटिफिकेशन आना बाकी है। SBI क्लरिकल की जो वैकेंसी है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, नोटिफिकेशन अभी जल्दी आ जाएगा। और IBPS के वैकेंसीज जो हैं वो अभी आना स्टार्ट होंगे। तो आपका जो प्रिपरेशन है टुवर्ड्स दिस एग्जाम, आप आज से ही स्टार्ट कीजिए, ताकि जब भी वैकेंसीज आए, जब भी नोटिफिकेशन आए, आप अप्लाई करो, एग्जाम क्रैक करो, और जो है अपना जो जॉब है या अपना करियर जो है उसकी तरफ एक स्टेप अपना आप ले लीजिएगा।
ओके और इसकी अगर सैलरी की हम बात करेंगे तो असिस्टेंट की सैलरी होती है 25,000 एंड अबव और प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी होती है 52,000 एंड अबव। तो इतनी बढ़िया सी सैलरी आपको मिलती है, बस आपको एग्जाम क्रैक करना है एंड सिलेक्शन पाना है। एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी जो है वो आने वाली है, जल्दी उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, उससे पहले ही आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें और अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कीजिए और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। तो ये थी अपॉर्चुनिटीज इन बैंकिंग सेक्टर और नाउ ये आप देख रहे हो अपॉर्चुनिटीज इन इंश्योरेंस सेक्टर में। यहाँ पे दिग्गज पांच कंपनियां हैं, पांच कंपनियों के नाम आपके सामने हैं, जिसमें से पहला नाम है LIC का, दैट इज लाइफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। उसके बाद है OICL ओरिएंटल इंश्योरेंस, उसके बाद NICL नेशनल इंश्योरेंस, उसके बाद NISCL न्यू इंडिया इंश्योरेंस और UIIC दैट इज यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो ये पांच कंपनियां आपको प्रोवाइड करती हैं, हर एक कंपनी प्रोवाइड करती है आपको दो अपॉर्चुनिटीज। यस स्टूडेंट्स, हर एक कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है विद टू अपॉर्चुनिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ, पहली पोस्ट होती है असिस्टेंट की और दूसरी पोस्ट है AAO दैट इज असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। कोई भी एजेंट का काम नहीं करना है, कोई भी पॉलिसी नहीं बेचनी है आपको, इंश्योरेंस कंपनी देख के डर नहीं जाना, कोई भी पॉलिसी नहीं बेचनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आपको काम करना है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको सैलरी लेनी है, गवर्नमेंट की सैलरी आपको मिलने वाली है, कोई कमीशन बेस्ड वर्क नहीं होने वाला है। ऑल राइट, सो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपको ये पांच इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां दे रही हैं। सो टोटल 10 अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, हर एक कंपनी के दो अपॉर्चुनिटीज, मतलब टोटल 10 अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग। और क्या चाहिए स्टूडेंट्स आपको, ओके तो आइए इसका जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन इसका है एनी ग्रेजुएट, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए एनी फील्ड में, एनी ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके साथ ही एज लिमिट जान लेते हैं, एज लिमिट जो है 20 to 28 ईयर्स का होता है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट और 21 to 30 ईयर्स का एज लिमिट होता है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। ओके, अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में असिस्टेंट के लिए आपको होते हैं दो प्रोसेसेस, दैट इज प्रिलिम्स और मेंस आपको क्लियर करना होता है, और वही प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में प्रिलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, बस एक स्टेप जो है वो बढ़ जाता है या एक प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है, दैट इज इंटरव्यू का प्रोसेस हो जाता है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। तो ये थी अपॉर्चुनिटीज और या ये अपॉर्चुनिटीज आपको आती है इंश्योरेंस सेक्टर में एवरी ईयर। और इसके भी वैकेंसीज, LIC की वैकेंसीज जो है, LIC असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है, नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, तो आपका प्रिपरेशन जल्दी से हमारे साथ आप स्टार्ट कीजिएगा। तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज तो पता चल गई कि बैंकिंग सेक्टर में और इंश्योरेंस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो तो आपको पता चल गया। अब इसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो आप कैसे कर पाएंगे, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे साथ जुड़ना है, हमारी ट्रेनिंग जो हम लेकर आ रहे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका जो करियर है वो सेफ एंड सिक्योर हो जाए, कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी कोविड जैसी टफ सिचुएशन भी आए तो भी आपका जो करियर है वो अफेक्ट नहीं होगा। और उसी के लिए हम ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की, जो स्टार्ट हो रही है 29th of April से स्टार्ट हो रही है, 3 महीने का ड्यूरेशन रहने वाला है, 29th April to 28th July तक चलने वाली है बैच, मंडे टू फ्राइडे 8 to 9:30 PM रात को, 8 PM to 9:30 PM रात को ये बैच जो है वो होने वाली है और हमारे साथ आपको सीखने का मौका मिलेगा, आप ट्रेन हो जाओगे इन दिस, ये जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है उसके लिए आप ट्रेन हो जाओगे बिल्कुल। और जो मोड है वो ऑनलाइन मोड में रहने वाले हैं क्लासेस,
और ये आपको अटेंड करना है हमारे खुद की ऐप पे जो आपको अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। तो अभी ही प्ले स्टोर पे आप जा सकते हैं इस वीडियो के बाद और चेक कर सकते हैं। विकास सावंत एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप का इंटरफेस जो है वो देख लीजिए आप। बहुत ही अच्छा हमारा ऐप है जिसमें आपके लाइव लेक्चर जो है वो कंडक्ट होने वाले हैं। तो 29th अप्रैल टू 28th जुलाई का ड्यूरेशन मंडे टू फ्राइडे 8 PM टू 9:30 PM रात को रहने वाले हैं। ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप जरूर से जो है हमारा ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। अब आपको इस में क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलने वाले हैं 120 प्लस लाइव क्लासेस, 100 प्लस वीडियो लेक्चर्स, डेली क्लास असाइनमेंट्स और कंप्लीट स्टडी मटेरियल। यस, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल सारा आपको दिया जाएगा और ये सब सिर्फ आपको मिलेगा 4 to 5 zero में। लेकिन अगर आप तीन दिन के अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको मिल रहा है बहुत ही बढ़िया सा डिस्काउंट, दैट इज 1000 rupees का डिस्काउंट मिलेगा। और यही कोर्स आपको इसकी बजाय 3 to 5 zero में अवेलेबल होगा, 3 to 5 zero में अवेलेबल होगा 3 दिन में अगर आप पेमेंट करते हैं और एडमिशन लेते हैं। तो 29th अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जब 3 to 5 zero में ये सारा कुछ लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड डेली असाइनमेंट स्टडी मटेरियल एवरीथिंग आपको मिल जाएगा 3 to 5 zero में। तो एडमिशन का प्रोसेस जान लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको जो है 1000 rupees का डिस्काउंट चाहिए तो 3 to 5 zero का अमाउंट आपको पे करना है। ये हमारा जीपे फोन पे पेटीएम नंबर है 8652221988। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कीजिए, वहां पे आपको एडिशनल डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगे। और पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है 9930742061, इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है और अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कराना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर जाकर देखिएगा। तो इसमें आपको देखिए क्या मिलने वाला है, तो ये है कुछ मटेरियल के पिक्स जो कि हमारे ई बुक्स हैं जो आपको मिलेंगे और हमारे जो फाउंडर हैं उन्होंने खुद ने डिजाइन किए हैं। स्टडी मटेरियल जो है उन्होंने खुद ने डिजाइन किया हुआ है, उसका कंटेंट जो है खुद ने डिजाइन किया हुआ है। तो इतना उम्दा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा हमारे इस ट्रेनिंग के दौरान। और सिर्फ यही नहीं, तो करंट अफेयर्स का भी हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया है, करंट अफेयर्स के मैगजीन आपको मिलेंगे। और ना ही सिर्फ करंट अफेयर्स, तो आपको स्टैटिक जीके भी मिल रहा है। ये स्टूडेंट स्टैटिक जीके भी मिल रहा है करंट अफेयर्स के मैगजीन में, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके दोनों चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और बहुत ही बढ़िया सा कोर्स मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा, उसके साथ साथ एवरी डे के वीडियोस, करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और उसी के साथ साथ एवरी सैटरडे को रहेगा क्विज जिसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स पे। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से होता रहने वाला है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। और सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, इसके साथ आपको अलग अलग टॉपिक के वीडियोस भी हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, सो डू सब्सक्राइब। और ये है कुछ असाइनमेंट्स के पिक जो आपको मिलने वाले हैं, ओके। और ये है हमारे कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग लेकर, गाइडेंस लेकर अपना जो जॉब है, करियर है, वो सेफ एंड सिक्योर कर लिया है और अपने पसंदीदा गवर्नमेंट सेक्टर में आज वो काम कर रहे हैं बिल्कुल खुशी। ऑलराइट, सो आपको क्या याद रखना है, 29th अप्रैल याद रखना है। और अब आप जिस तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं उस तारीख से 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, 3 to 5 zero का आपको पेमेंट करना है। 1000 का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। 4 to 5 zero का कोर्स जो है वो आपको 3 to 5 zero में मिलेगा। यहाँ पर प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों चीजों का जो है आपको यहाँ पर पूरा पैकेज मिलेगा, सारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, बाहर से लेने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, ओके। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो दोबारा जाकर इस वीडियो को देखिएगा एंड उससे पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
press on the bell icon and please like and share this video with your friends. Kya pata aap kiska career build up karne mein aap help kar do. So 29th April is the date और 29th अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज फॉर यू, आपके लिए है, और जरूर एडमिशन लें. ऑल राइट, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए.